मूवी के शुरू में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि डीमंस को पकड़ा करते थे और उन्हें हंट किया करते थे। एक दिन वो सब एक जगह पर होते हैं और एक लड़की को पकड़ रहे होते हैं। वो लड़की एक डीमन स्नेक थी। देखने में वह तो बहुत प्यारी थी, लेकिन थी वो बहुत खतरनाक। वो लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे और वो एक ह्यूज सेंटीपीड में बदल जाती है। तभी वहां पर उन डीमन हंटर्स का लीडर आता है और वो स्नेक को रोकता है। उसी वक्त आसमान में कोई सफेद रोशनी दिखाई जाती है जो कि मुसलसल मूव कर रही थी। वो इनफेक्ट व्हाइट स्नेक थी जो कि उनका ध्यान बटा रही थी, लेकिन वो लीडर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो डीमन स्नेक को अपने पास कैद कर लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें डीमन हंटर्स का एक ऐसा ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कई सौ साल से व्हाइट स्नेक की तलाश में थे। उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि फौरन से उसे ढूंढो, बहुत टाइम हो गया है। बारिश हो रही है और एक पहाड़ पर एक लड़का चढ़ रहा है। उस लड़के का नाम होता है सुजियान। उसे पहाड़ पर एक व्हाइट स्नेक दिखाई देता है। काफी सर्दी थी तो उसे लगता है कि शाम भी शायद सर्दी से ठंडा पड़ रहा है, तो वो उसे अपने कपड़ों में छुपा लेता है। लेकिन उसे ऐसा फील होता है, महसूस होता है जैसे उसे काट रहा हो, तो वो शाम को बाहर निकाल देता है। उसका ऐसा करते ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने ग्रीन कपड़े पहने होते हैं और वो कोई लड़की नहीं बल्कि ग्रीन स्नेक थी और वो व्हाइट स्नेक की बहन थी। उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात को इतनी तेज बारिश में ये लड़की इस पहाड़ पर क्या कर रही है। वो अपनी सेंसेस खो देता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि मैं इसे मार डालूंगी, इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। व्हाइट स्नेक एक खूबसूरत लड़की के रूप में आ चुकी थी। वो अपनी बहन से कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, ये बेचारा तो मुझे अपनी तरफ से बचा रहा था। ग्रीन स्नेक ये सुनकर चली जाती है। तभी कुछ ही देर में सुजियान को होश आता है। उसके पास वो व्हाइट स्नेक बैठी होती है। उसका इंसानी नाम बाई था। सुजियान समझता है कि शायद मैं गिर गया हूँ और इसने मेरी जान बचाई, तो वो उसे थैंक यू कह के वहाँ से निकल आता है। बाई उसे काफी इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि वो उसे बहुत रहम दिल लगने लग गया था। दूसरी तरफ सुजियान सीधा अपनी दादी माँ यानी ग्रैंड मदर के घर जाता है। असल में वो डॉक्टर था और अपनी दादी माँ के लिए कुछ हर्ब्स लेने गया था। उसकी दादी माँ देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो कई सालों से ऐसी जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा था जिनसे उनका इलाज किया जाए। फिर हम उन दोनों स्नेक बहनों को तालाब में देखते हैं। ग्रीन सिस्टर अपनी बहन बाई से कह रही होती है कि डीमन हंटर्स के लीडर ने हमें ढूंढने के लिए अपने लोग भेज दिए हैं। तो बाई कहती है, आखिर ये लोग कौन है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और किसने उस डीमन स्नेक को मारा, मैं इसका पता लगाऊंगी। और ये पता लगाने के लिए वो इंसानों की दुनिया में आ जाती है। व्हाइट स्नेक में ये एबिलिटी थी कि वो पूरी की पूरी इंसान बन सकती थी, जबकि ग्रीन स्नेक के लोअर बॉडी स्नेक की तरह ही रहती थी। व्हाइट स्नेक अब इंसानों के शहर पहुंच चुकी थी। वहां पर बहुत शोर मचा हुआ था। जब वो आगे बढ़कर देखती है तो 5 लोगों को मरा हुआ पाती है। उनका दिल किसी ने निकाल लिया था। सब यही कह रहे थे कि व्हाइट स्नेक ने किया है, लेकिन व्हाइट स्नेक तो यहाँ पर थी ही नहीं। ऐलान किया जाता है कि जो भी व्हाइट स्नेक को ढूंढ कर लाएगा उसे 10,000 चांदी के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। बाई अभी भी वहाँ पर थी और अगले दिन वो सुजियान से मिलती है क्योंकि वो उसे उसकी अम्ब्रेला लौटाना चाहती थी जो उस दिन उसने उसे दी थी। बाई यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सुजियान को याद आता है कि उसने ख्वाब देखा था कि जिस दिन वो अपनी खराब अम्ब्रेला खोलने में कामयाब हो गया उसे उसी दिन उसका सच्चा प्यार भी मिल जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो अम्ब्रेला खोल लेता है। फिर सुजियान को पैगाम मिलता है कि उस गांव के फादर को किसी स्नेक ने काट लिया है और वो बेहोश हो गए हैं। सुजियान क्योंकि डॉक्टर था तो वो फौरन उनका इलाज करने जाता है। फादर की बॉडी में जहर फैल चुका था और ये पॉसिबल नहीं था कि वो ठीक होते, लेकिन वहाँ पर बाई भी तो थी जिसको मैजिक भी आता था, तो वो अपने मैजिक से उनको ठीक कर देती है। सुजियान और सबको यही लग रहा था कि सुजियान ने इनको ठीक कर दिया और वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फादर उनसे बहुत खुश होता है और कहता है कि रात को मेरी तरफ डिनर पर आना, यानी रात के खाने पर आना। वो दोनों वहाँ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाई देखती है कि वहाँ पर सबसे बड़ा डीमन हंटर भी मौजूद है, यानी वही लीडर जिसने डीमन स्नेक को कैद किया था। वो उसे देख के घबरा जाती है कि अब क्या होगा। खैर वो लोग बैठते हैं और उन्हें खाने से पहले ड्रिंक दी जाती है। सुजियान तो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन बाई घबरा रही होती है क्योंकि उसमें डीमन हंटर ने एक दवाई मिक्स कर रखी थी। बाई को वो जबरदस्ती पीनी पड़ती है ताकि उस पर कोई शक न करे, और वो पीते ही उसकी लोअर बॉडी सांप में बदलने लगती है। उसका ड्रेस पाओ तक लंबा होने की वजह से और खुद पर कंट्रोल पाने की वजह से इस बात का किसी को पता नहीं चलता। अब उसे दूसरी ड्रिंक दी जाती है, लेकिन ये पीते ही तो वो पूरी स्नेक बन जाती। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक यानी उसकी बहन वहाँ पर आकर वो ग्लास गिरा देती है और उसे पीने से मना करती है। डीमन हंटर जब ये देखता है कि ग्रीन स्नेक यहाँ पर है तो वो उसकी तरफ चल पड़ता है ताकि वो उसे भी कैद कर ले, लेकिन वो उससे आगे फाइट बैक करती है।
जाती है। डीमन हंटर उसे गिरा देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी व्हाइट स्नेक उसी रोशनी में बदलकर आसमान में उड़ने लगती है, जिसकी वजह से उस लीडर का ध्यान बट जाता है और वो ग्रीन स्नेक बच जाती है। ये दोनों बहनें यहाँ से गायब हो चुकी थी और लीडर भी उनके पीछे पीछे था। सुजैन भी उन्हें फॉलो करने लगता है। फाय एक जंगल में चली जाती है और एक खतरनाक लाल आंखों वाली डीमन हंटर से पूछती है कि तुमने लोगों को क्यों मारा। ये वही डीमन हंटर था जो कि सबसे बड़ा था और इसी ने व्हाइट स्नेक को पकड़ने का ऑर्डर दिया था। ये बहुत जालिम भी था। वो कहता है कि ये दिल हमारी ताकत का जरिया है और हमने 5 लोग ही तो मारे हैं। क्योंकि वहाँ पर लीडर भी आ गया था तो वो इन सब की बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये काम व्हाइट स्नेक का नहीं। सुजैन भी वहाँ पर होता है, लेकिन इंसान को देख के वो सारे डीमन हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं। सुजैन के साथ जो लीडर था वो उसको कैद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी व्हाइट स्नेक वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। लीडर सुजैन से कहता है कि क्या तुम्हें अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं, तुमने नहीं देखा कि यही व्हाइट स्नेक है। तो सुजैन कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, वो बहुत अच्छी है। लीडर कहता है कि कुछ भी हो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है और तुम ही उसको ट्रैप कर सकते हो, समझो इस बात को। और ये कहकर वो लीडर वहां से चला जाता है। सुजैन जब घर आता है तो देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे देख पा रही है, तो वो पूछता है कि अचानक ये सब कैसे हो गया। तो उसकी ग्रैंडमा बताती है कि इस बच्ची ने ठीक की है मेरी आंखें। सुजैन इमोशनल होके पाए का बहुत शुक्रिया अदा करता है। फिर सुजैन और पाए एक जंगल में जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों इस बात को लेके मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जालिम डीमन हंटर के कुछ लोग आ जाते हैं। वो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाए उन्हें मारने लगती है। सुजैन उसे कहता है कि ऐसे नहीं करो, लेकिन पाए कहती है कि हमें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इसी के साथ वो लोग पाए पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन पाए को इस बात की फिक्र नहीं थी, वो तो सुजैन को बचाना चाहती थी। वो जख्मी होकर गिर जाती है और अब उसकी हालत काफी खराब थी, उसे सर्दी भी लग रही थी। सुजैन जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके उसके पास ले आता है और उन पर आग लगा देता है ताकि उसे गर्माइश मिले, हीट मिले। जब सुजैन उसकी नब्स यानी पल्स चेक करता है तो वो रुकी होती है। सुजैन काफी परेशान होता है और रोने लगता है, लेकिन तभी पाए को होश आ जाता है और वो सुजैन को बताती है कि हमारी पल्स ही नहीं होती। सुजैन सुकून का सांस लेता है और उसे अपने कंधों पर उठाकर भागने लगता है ताकि किसी सेफ जगह पर पहुंच सके। उसकी नजर नदी में चल रही एक बोट पर पड़ती है। वो उसे रोकता है कि हमारी मदद की जाए। आखिरकार वो उस बोट में बैठ जाता है। जब बाय को पूरी तरह होश आता है तो वे देखकर काफी खुश होती है और उसे काफी अच्छा लगता है कि सुजैन मेरी कितनी केयर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन यानी ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो सुजैन को मारने लगती है। वो अपनी बहन से कहती है कि इंसान हमारे दुश्मन है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। तो व्हाइट स्नेक कहती है कि नहीं, सुजैन ऐसा नहीं है और मैं उसे पसंद करती हूँ, वो अच्छा लड़का है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जो आदमी बोट चला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डीमन हंटर्स का लीडर था। वो उन दोनों बहनों पर अटैक करने लगता है और वो दूर जाकर गिरती हैं। वो बहुत जख्मी हो चुकी थीं। व्हाइट स्नेक के मुंह से खून आने लगता है। सुजैन काफी परेशान हो जाता है और लीडर से कहता है कि आप उनको तकलीफ मत दें। वो कहता है कि आप इनको जाने दें, मैं इन्हें कभी याद नहीं करूंगा, बस इनकी जान छोड़ दें, मैं आपके साथ डीमन हंटिंग भी किया करूंगा, प्लीज। तो लीडर उसकी बात मान लेता है और उन दोनों को वहां से जाने देता है और फिर उसके बाद वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। अब वो मास्टर यानी लीडर सुजैन से कहता है कि जो डीमन हंटर्स का दूसरा ग्रुप है हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। फिर हम बाय और सुजैन को अलग अलग जगह देखते हैं जो कि दोनों ही उदास थे और एक दूसरे को मिस कर रहे थे। तभी सुजैन को खबर मिलती है कि डीमन हंटर्स के दूसरे ग्रुप का लीडर वहां पर आया है। वो उन सब पर अटैक करने लगता है और उनसे बाय का पूछने लगता है क्योंकि वो उसकी सोल लेना चाहता था। सुजैन का दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि इस वक्त बाय को तुम्हारी जरूरत है, तुम उसके पास जाओ। तो सुजैन कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो कहाँ पर है, तुम जाओ उसके पास। लेकिन सुजैन का दोस्त असल में धोखेबाज था और वो उन डीमन हंटर्स के साथ मिला हुआ था। वो तो यहाँ आया ही इसलिए था ताकि वो सुजैन से उगलवा सके कि व्हाइट स्नेक रहती कहाँ है। वो ये सब जाकर उस जालिम डीमन हंटर को बता देता है। सुजैन का धोखेबाज दोस्त उस व्हाइट स्नेक के पास जाता है और उसे अम्ब्रेला देकर कहता है कि ये लो, सुजैन ने दी है। और जैसे ही वो अम्ब्रेला पकड़ने लगती है तो वो एक चाकू उसके पेट में घुसा देता है। ये वही चाकू था जो कि डीमन हंटर्स डीमन्स को मारने के लिए यूज करते थे। व्हाइट स्नेक यहाँ पर वीक पड़ जाती है और गिर जाती है। लेकिन सुजैन को भी उस दौरान खबर मिल चुकी थी कि व्हाइट स्नेक मुश्किल में है और वो वहाँ पर आ जाता है। वो उसे उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और वो मिलकर अब उन डीमन हंटर्स का मुकाबला कर रहे थे। इसी दौरान सुजैन भी इंजर्ड हो जाता है। दूसरी साइड पर डीमन हंटर का हेड उस ग्रीन स्नेक को काफी जख्मी कर देता है।
अब वाइट स्नेक सुसियन से कहती है कि तुम मेरी सोल ले लो, तुम्हें मैं अपनी सारी पावर्स दे रही हूँ, और अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर करके उसे वहाँ से दूर भेज देती है। अब वो दोनों स्नेक बहनें जख्मी हालत में पड़ी हुई थीं। उन दोनों बहनों को एक जगह कैद कर लिया जाता है और अब उन डीमन हंटर्स का हेड वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे सोल चाहिए। तो ग्रीन स्नेक कहती है कि मुझे आजाद कर दो, मैं कुछ देर में तुम्हें अपनी सोल दे दूंगी, और अगर मैं लौट कर ना आई तो तुम मेरी बहन को मार देना बेशक। ये सुनकर पाय को दुख होता है कि शायद ये मुझे छोड़ कर जा रही है, लेकिन तभी ग्रीन स्नेक अपना दिल भी उस हेड को दे देती है और कहती है कि मुझे वापिस आने दो जरा। हेड उसे आजाद कर देता है और फिर वो अपनी बहन व्हाइट स्नेक के पास जाके कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा अगर इसे मेरी सोल मिल गई। बाय काफी उदास हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि सुसियन के साथ यहाँ से दूर चली जाओ। ग्रीन स्नेक सब कुछ जाकर सुसियन को बताती है। सुसियन कहता है कि हमें इसे बचाना होगा। वो कहता है कि अब मुझ में व्हाइट स्नेक यानी बाय की सोल है, तो मैं अपना इंसानी दिल निकाल देता हूँ ताकि वो मेरी खुशबू को सेंस ही ना कर सके। अब क्योंकि उसमें व्हाइट स्नेक की भी सोल थी तो वो इमोर्टल हो चुका था, यानी वो नहीं मर सकता था जब तक कि उसकी सोल ना ले ली जाए। वो दोनों उड़कर उस जगह पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन हंटर्स और उसका धोखेबाज दोस्त वहाँ उन्हें रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर अच्छा डीमन हंटर यानी सुसियन का जो लीडर था वो अपने साथियों के साथ आ जाता है और कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है कि वो दिल की अच्छी है। वो सब बुरे और सालिम डीमन हंटर्स को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि जाओ बाय को जाकर बचाओ। वो दोनों वहाँ से होते हुए बाय के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि उसकी हालत बहुत बुरी है, उसका जगह जगह से खून आ रहा है और वो चेन से बंधी हुई है। वहाँ पर ग्रीन स्नेक सालिम डीमन हंटर को रोकने लगती है और सुसियन जाकर व्हाइट स्नेक को उसकी सोल लौटा देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब व्हाइट स्नेक उठकर ये देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और व्हाइट स्नेक में बदल जाती है। फिर वो उस सालिम डीमन हंटर से फाइट करने लगती है, लेकिन उस सालिम डीमन हंटर उसे कैद कर लेता है। जब मास्टर ये देखता है यानी वही लीडर जो सुसियन का लीडर था, वो सुसियन के पास जाता है और अपनी पूरी पावर्स यूज करके उसे ठीक कर देता है। दूसरी तरफ वो जालिम डीमन हंटर बाय की सोल ले चुका था। सुसियन उसके पीछे जाता है और उसे नीजा दे मारता है, जो कि डीमन्स को मारने के लिए बनाया गया था। वो जालिम डीमन हंटर भी असल में एक डीमन ही था। उस जालिम डीमन हंटर को वो नीजा लगने से वो भी हमेशा के लिए मारा जाता है, लेकिन सुसियन के पास भी जो पावर्स थी वो खत्म हो चुकी थी और वो भी यहाँ पर मारा जाता है। बाय उसके पास आके रोने लगती है। वहाँ पर सुसियन का एक अच्छा दोस्त आता है और वो बाय को बताता है कि एक बार गॉड ने मेरी बॉडी में अपनी पावर्स ट्रांसफर कर दी थी। बाय उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो पावर्स दोबारा अपने में ले आओ और मेरे सुसियन को जिंदा कर दो। तो वो कहता है कि मैं इसे कुछ देर के लिए जिंदा कर रहा हूं ताकि तुम इसे बात कर सको। वो अपने मैजिक से सुसियन को जिंदा कर देता है और बाय उसे रोकर बात करने लगती है और कहती है कि मुझे कभी मत भूलना, दोबारा मेरे पास लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन तभी गॉड सुसियन को दोबारा मार देते हैं। बाय रोने लगती है और फिर कुछ दिन बाद हमें वो उसकी कब्र पर दिखाई जाती है, उसकी ग्रेव पर। अब वो दोनों बहनें हमें दिखाई जाती हैं। ग्रीन स्नेक अपनी बहन से कहती है कि सुसियन ने मुझे एक आखिरी मैसेज दिया था और मैं तुम्हें बताना भूल गई। उसने कहा था कि अगली बार जब वो जिंदा होकर आएगा तो वो तुम्हें फिर भी प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि तुम उसे याद होगी। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसके सामने क्लिनिक होता है, वो फौरन से उसके अंदर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब आ चुका है, सुसियन यहाँ पर ही होगा। लेकिन वहाँ पर तो कोई और आदमी था। वो उसे पूछती है कि यहाँ पर क्या कोई और भी काम करता है, तो वो आदमी कहता है कि हाँ वो बहुत यंग और प्यारा है, वो बस आने ही वाला होगा, कुछ मेडिसिन देने गया है। व्हाइट स्नेक की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो जरूर लौट कर आएगा। और दूसरी तरफ हम सुसियन को कहीं से आता हुआ देखते हैं। वो उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां पर व्हाइट स्नेक की और उसकी मुलाकात हुई और व्हाइट स्नेक ने उसे उसकी अम्ब्रेला लुटाई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे सब कुछ याद आने लगा है और तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। सेम वही सीन बन जाता है जो कि पहले बना था और यूं लग रहा था जैसे ये दोनों यहाँ पर दोबारा मिलने वाले हैं। इसी के साथ ही व्हाइट स्नेक अ लव अफेयर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।